नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने से यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो है डुप्लीकेट वाउचर। तो दोस्तों, जैसा कि अब टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने अपना नया रिलीज लॉन्च कर दिया है, टेली प्राइम 2.0.1। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर 2.0 से 2.0.1 में अपडेट नहीं किया तो आप जल्दी से उसको अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो आपको ये बॉटम बार में ये सारे फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में भी अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी जो यहाँ पर बॉटम बार में ये जो शॉर्टकट बटन यहाँ पर दिए गए हैं, वो सारी वही कमांडे हैं जो अभी तक हमें टेली सॉफ्टवेयर में विजुअल नहीं होती थी। यानी कि ये एक तरीके की हिडन कमांड थी। इसका उपयोग जो अकाउंटेंट लोग टेली प्राइम को मतलब काफ़ी लंबे समय से जो इसको यूज़ कर रहे हैं, वही इसका उपयोग कर रहे थे। तो यानी कि हर एक जो फ्रेशर अकाउंटेंट है, जो नए टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं जो स्टूडेंट, वो इसका प्रॉपर सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, क्योंकि ये जो कमांड थे हमें यहाँ पर कहीं पर भी विजिबल नहीं होती थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी हम इस डुप्लीकेट वाउचर का ये जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आखिरकार प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार यूज किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो बटन बार है, इसमें दिया हुआ ऑप्शन है डुप्लीकेट वाउचर। जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं किसी कंपनी में, तो इस ऑप्शन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और ये अकाउंटेंट का बहुत ही टाइम है जो वो भी बचाता है। तो अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूज़र हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, ताकि आपको इस डुप्लीकेट वाउचर की शॉर्टकट कमांड और इस डुप्लीकेट वाउचर का अर्थ है जो समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अभी तक आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया तो जल्दी से आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए आपको इस हेल्प बटन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। हेल्प टैब पर जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर अपग्रेड का, और अब अपग्रेड पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की विंडो आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर अपडेट है, तो आपके पास लिखा आ जाएगा टेली प्राइम रिलीज 2.0। तो आपको यहाँ पर 2.01 की विंडो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा और उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप एक कंडीशन है कि आपका जो TSS है, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर का सर्विस का जो लाइसेंस है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर है तो आप इस नए रिलीज का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही हम इसको अपडेट कर लेंगे तो ये फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हमने इस टेली सॉफ्टवेयर में कुछ ट्रांजैक्शन कर रखी है, उसमें से हमें एक लेज़र को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि लेज़र को ओपन करने के लिए हम डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और लेज़र का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जैसा कि मेरे पास एक लेज़र मैंने क्रिएट किया हुआ है ABC ट्रेडर्स के नाम से, इसको हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर इस पार्टी से एक परचेज़ किया हुआ है और एक मैंने यहाँ से इसको पेमेंट करी हुई है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए जैसा कि मैंने 1 अप्रैल 2020 में परचेज़ किया है और 8 अप्रैल 2020 के अंदर इसको पेमेंट करी हुई है। अब मान लीजिए आपने 8 तारीख के बजाय आपने 10 तारीख को भी इस पार्टी को पेमेंट आपने और करी है। तो दोस्तों, आपके पास अब दो तरीके हैं उस दूसरी पेमेंट वाउचर की एंट्री करने के लिए। आप या तो बैक साइड में वापस वाउचर पे ऑप्शन पे जाओगे, पेमेंट वाउचर आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में जैसा कि हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं, इस टाइप के हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे भी हम इस डुप्लीकेट वाउचर का उपयोग किस तरीके से करेंगे। डुप्लीकेट वाउचर का मतलब जिसे हम कॉपी पेस्ट कह सकते हैं। मान लीजिए ABC ट्रेडर्स का हमारे पास लेजर ओपन है और हमने 10 अप्रैल 2020 को 5,000 रुपये की पेमेंट और करी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी जो हमने ट्रांजैक्शन करी है, ये पेमेंट वाउचर की जो ये ट्रांजैक्शन है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से शॉर्टकट, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो दोस्तों, आप देख रहे हो जिसके शॉर्टकट कमांड के नीचे अगर ये सिंगल लाइन है तो वो कमांड काम करती है एल्ट बटन के साथ। अगर यहाँ पर डबल लाइन होती, जैसा कि आप सिंगल देख रहे हो, अगर इस तरीके डबल लाइन के यहाँ पर होती तो वो कमांड यूज करेगी कंट्रोल बटन के साथ में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर केवल सिंगल मतलब बटन का यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये एल्ट के साथ काम करेगी, यानी कि हमें Alt+2 यूज करना है। अब Alt+2 यूज कौन सा करना है आपको, अब जैसा कि ये कीबोर्ड है, अब एल्ट का बटन तो आप देख रहे हो, ये हमारा एल्ट का बटन है
और उसके बाद में टू वाला ऑप्शन आपको ये यूज करना है और ना कि ये वाला, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ये टू आपका काम नहीं करेगा, ये टू आपका काम करेगा। यानी कि एल्ट का बटन आपको पहले प्रेस करना है और उसके बाद में टू, ये वाला टू आपको प्रेस करना होगा। तो जैसे हम उस ट्रांजेक्शन को ऊपर जाके हमारा जो कर्सर है वो सेलेक्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपका वाउचर पे परचेज वाउचर पे आपका सेलेक्ट है और यहाँ से अगर आप एल्ट टू करोगे तो ये परचेज की डुप्लीकेट बन जाएगा। अगर आपको पेमेंट वाउचर की डुप्लीकेट बनानी है तो यहाँ से हम एल्ट बटन के साथ टू यूज करेंगे। तो जैसे हम एल्ट टू का बटन का यूज करेंगे तो हमारे सामने अभी जो हमने एंट्री कर रखी थी वो एंट्री ओपन हो जाएगी, यानी कि उसका भी डुप्लीकेट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन, यानी कि आप ये डुप्लीकेट वाउचर है जो पोस्ट कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है अगर आपने डुप्लीकेट वाउचर की एंट्री करी है तो उसका वाउचर नंबर भी चेंज होगा, तो आप उस रिसिप्ट को देख के वाउचर नंबर आप चेंज कर लीजिए। अगर आपकी डेट भी चेंज है तो हम डेट को भी चेंज कर लेंगे। अमाउंट चेंज है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 5000 रुपये की पेमेंट करी है, तो हम 5000 और कैश पे एंटर प्रेस करके ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हो इस 2000 रुपये की जो कॉपी थी वो अब हमने 5000 में कन्वर्ट कर दी। तो इससे फ़ायदा आपका क्या हो जाएगा, अब इस तरीके से मान लीजिए तो हमारी वाउचर नंबर चेंज था और इसकी अमाउंट चेंज थी, तो हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट इस कमांड का मिला नहीं। अगर मान लीजिए आपने 5000 रुपये की पेमेंट आप हर मंथ करते हो और आप वाउचर नंबर है जो कंटिन्यू अपने सीरीज के अकॉर्डिंग करते हो, तो आपके लिए फ़ायदा है भी आप एल्ट टू इस पर आप प्रेस करते जाओ और आपकी डुप्लीकेट कॉपी इसी पेमेंट वाउचर की बनती रहेगी। जैसा कि हमने एल्ट टू प्रेस किया और अभी तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कमांड दे रखी है डुप्लीकेट वाउचर मेरे को एक्सेप्ट नहीं कराना, तो इसलिए जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये डुप्लीकेट वाउचर नंबर बता देगा। तो इसके आगे मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देता हूँ और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हो ये 5000 रुपये की इसका डुप्लीकेट और बन गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपने एक परचेज वाउचर की ये एंट्री कर रखी है और सेम ही प्रोडक्ट आपने दोबारा परचेज किए हैं इसी पार्टी से, उसमें केवल कुछ क्वांटिटी चेंज है और उसका वाउचर नंबर चेंज है और बाकी जो प्राइस वगैरह वो सब कुछ सेम है, तो आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला, टाइम आपका बच जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, परचेज वाउचर को सिलेक्ट करके एल्ट टू आपको यूज़ करना है और उसके बाद में जो वाउचर्स दूसरा आपके पास आए उस वाउचर को हम डालेंगे। तारीख मान लीजिए आपने 15 अप्रैल में ये परचेज किया है, तो हमने 15 अप्रैल डिन कर दिया, पार्टी सेम है। और उसके बाद मान लीजिए आपकी क्वांटिटी कम है, हम यहाँ पे सभी को 10 10 10 10, तो आपका एस जी टी सी जी एस टी ऑटोमेटिक हो जाएगा और कंट्रोल ए के साथ आप इसको एक्सेप्ट करोगे। तो आप देख रहे हो सेम हमारे पास परचेज वाउचर की एंट्री हो चुकी है, इंटरप्रेस करेंगे तो सेम डाटा हमारे पास वो रह जाएगा। तो इससे हुआ क्या, हमें जो बारी बारी स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने की और बारी बारी स्टॉक आइटम का जो हमारा सेल लेजर है उसको सेलेक्ट करने का जो टाइम है वो हमारा काफ़ी हद तक बच जाता है, क्योंकि ये तो काफ़ी हद तक छोटी एंट्री है। अब मान लीजिए आपके पास कंपनी है और उस कंपनी में आपके परचेज के जो प्रोडक्ट है वो 20 से 25 प्रोडक्ट रहते हैं और आपने सेम ही पार्टी से दोबारा परचेज करी है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है, कुछ 2-3 स्टॉक आइटम चेंजिंग है या फिर थोड़ा बहुत रेट के अंदर वेरिएंस है या क्वांटिटी के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएंस है, तो आप इस डुप्लीकेट से उसमें क्वांटिटी में चेंज करोगे जो आपके पास दोबारा दूसरा वाउचर जो आपके पास है और उसमें जो अपडेट डाटा है उसको आप चेंज करोगे, बाकी एजीटी जी आप इसको एक्सेप्ट करवा सकते हो। तो इससे डुप्लीकेट वाउचर से क्या हो जाएगा, आपका काफ़ी हद तक टाइम है जो वो बच जाता है। अब मान लीजिए इसी तरीके से हमने इसके पेमेंट वाउचर की एक एंट्री और करनी है 16 तारीख में। एल्ट टू आप प्रेस कीजिए, वाउचर नंबर आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, तारीख आप 16 दे दीजिए और कंट्रोल एक्सेप्ट कीजिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 16 तारीख के अंदर ये 5000 रुपये की एंट्री और हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा काफ़ी हद तक है जो टाइम बच जाता है अगर हमें इस टाइप की ट्रांजेक्शन करनी हो परचेज वाउचर का, अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ी इन्वेंट्री के साथ अगर परचेज इनवॉइस आता है तो उसका हमारा टाइम बच जाता है। इसी तरीके से हम सेल वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी ट्रांजेक्शन, हर टाइप के वाउचर की हम डुप्लीकेट बना सकते हैं और शॉर्टकट कमांड इसकी है एल्ट के साथ टू। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।